सोयाबीन वर्षा आधारित फसल है और इस मौसम में खरपतवार का प्रकोप बहुत होता है, जिससे कि उपज में हानि लगभग लगभग 35 से लेकर 70% तक होती है। तो पहले बोने से लेकर पहले 45 दिन तक हमको सोयाबीन को खरपतवार रहित रखना चाहिए, तदुपरांत सोयाबीन की फसल अपने आप में सक्षम हो जाती है और खरपतवार का नियंत्रण खुद कर लेती है। तो पहले 45 दिन खरपतवार रहित रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से सबसे फायदेमंद है हाथ की निंदाई, जो कि पहली निंदाई 20 दिन बाद और दूसरी निंदाई 40 दिन के ऊपर कर लें तो हमारी सोयाबीन की फसल खरपतवार रहित रह सकती है। सोयाबीन में तीन प्रकार के रसायन होते हैं जो कि उपयोग किए जा सकते हैं, एक बोने के पूर्व, दूसरा बोने के तुरंत बाद, तीसरा अर्ली पोस्ट इमर्जेंस, जो कि सोयाबीन बोने के 10 से 12 दिन में उपयोग होते हैं, और तीसरा पोस्ट इमर्जेंस जो बोने के 15 से 20 दिन के बाद में उपयोग होते हैं। तो इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का एक खरपतवार नाशक दवाई लेकर हम उपयोग कर लें तो सोयाबीन में खरपतवार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है और अच्छा होता है।